नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूरत की ट्रेडिशनल मिठाई सूरती खारी, मावा और ड्राई फ्रूट की स्टफिंग। आप इसे किसी भी खास मौके और त्योहार पर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। सूरती खारी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम मावा लिया है। इसे हम क्रम्बल करके पैन में डाल देंगे। मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। मावा से घी निकलने लगा है, हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। बस मावा से घी निकलने लगा, अच्छी सी खुशबू आने लगी, हमारा मावा भून गया है। मावा भूनने में 4 मिनट लगे हैं। ये 2 टेबल स्पून बेसन लिया है हमने, इसे हम भूनेंगे। तो 1 टेबल स्पून पैन में घी डाल देते हैं और ये बेसन मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये बेसन हमारा अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया, अच्छी खुशबू आ रही है। यह है 1/4 कप बादाम पाउडर। बादाम को हमने मिक्सर में पीस लिया, इसी में डाल के हल्का सा भून लेते हैं। और ये 1/4 कप पिस्ता पाउडर, ये पिस्ते को भी हमने मिक्सर में ही पीस लिया है। इन्हें 1 मिनट भून लेते हैं, इनका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, खुशबू भी बढ़ जाएगी। और अब ये भुने हुए बेसन और बादाम पिस्ता सब हम इसी मावा के ऊपर ही डाल देंगे। इन्हें हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये हमने 20-25 केसर के धागे 1 चम्मच दूध में भिगो कर ले लिए हैं, तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और ये है 1/2 छोटी चम्मच दरदरी कुटी इलायची। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिला दिया। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। गरम गरम में शुगर पाउडर नहीं डालेंगे। अगर गरम गरम में शुगर पाउडर मिला दें तो मावा मेल्ट हो जाता है और स्टफिंग गीली हो जाएगी। और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम डो बना लेते हैं। प्याले में हमने 1/4 कप मैदा ले ली है, इसमें हम 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो बनाएंगे। ये हमने डो बनाकर तैयार कर लिया। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है। इतना डो बनाने में हमने 1/4 कप पानी का यूज किया है। तो इसे हम ढक कर 1/2 घंटे के लिए रखेंगे और तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। ये 4 टेबल स्पून घी है, इसे हम मेल्ट करके 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे। ये हमें चाहिए सूरती घारी के ऊपर कोटिंग करने के लिए। ये मिक्सर हमारा ठंडा हो गया, अब हम इसमें शुगर पाउडर मिलाएंगे। एक कप से हमने थोड़ा सा कम शुगर पाउडर ले लिया है। शुगर आप अपनी पसंद से थोड़ी कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इनको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। ये हमारे बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल स्टफिंग बनके तैयार हो गई। अब हम सूरती घारी को शेप देंगे। उसके लिए हमने ये 1/4 कप ले लिया है। कोई भी छोटी सी कटोरी ले सकते हैं या फिर कुकी कटर ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको भर के और अच्छे तरीके से दबाएंगे। थोड़ा सा खाली रहने देंगे क्योंकि इसकी जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा है। इस तरीके से कर लेंगे और इसके बाद इसे थोड़ा सा टाइटली हाथ पर निकाल लेंगे। यानी ये हमारी अच्छे से शेप बनकर तैयार हो गई। सारे मिक्सर से हम इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। बीस मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी सेट होकर तैयार है। इसको हम थोड़ा सा मसल लेते हैं।
और इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे और लोइयां तैयार कर लेंगे। आटे का एक टुकड़ा उठा लेंगे और इसे गोल करके पेड़ा बनाएंगे। इसे पतला बेलेंगे, तो किनारों से बेलना है, बीच में पतला और किनारे से मोटा नहीं होना चाहिए, एक जैसा हमें बेलना है। इसे पतली पूरी हमने बेलकर तैयार कर ली, हम इसे उलट लेंगे, नीचे की साइड ऊपर की ओर कर देंगे और इसमें हम एक ये स्टफिंग का पीस रखेंगे। और अब इस पूरी को चारों तरफ से उठाएंगे और स्टफिंग को बंद करेंगे, इस तरीके से प्लेट लगाते हुए उठा लेंगे। ये एक्स्ट्रा आटा थोड़ा सा निकाल देंगे ये और इसको दबा देंगे, थोड़ा सा हाथ से इसे शेप भी दे देंगे। ये पीस तैयार हो गया। सारे पीसेस हमें इसी तरीके से स्टफ करके तैयार कर लेने हैं। अब इन्हें तलने के लिए घी गरम करेंगे। घी को चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा डो हम घी में डाल देते हैं। डो अच्छे तरीके से सिक रहा है, घी हमारा गरम है। हमें घारी तलने के लिए बहुत ज़्यादा गरम घी नहीं चाहिए, मीडियम गरम घी चाहिए। फ्लेम को हम लो मीडियम रखेंगे। तो हम ये तलने के लिए डालते हैं, तो ये जो नीचे की साइड है हम नीचे ही रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरीके से घी उछालते जाएंगे। ऊपर की साइड में हमें पलट पलट कर इसे नहीं सेकना है, ऊपर से हमारी ये जो गरम गरम घी जाएगा उसी में ये सिककर तैयार हो जाएगी। हल्के हाथ से हम नीचे की ओर से देख सकते हैं, ये हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। हमें घारी को बहुत ज़्यादा ब्राउन होने तक नहीं तलना है, हल्की ब्राउन होने तक ही तलना है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। सारे पीसेस को हम इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। हम इन्हें घी में तल रहे हैं, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी तल सकते हैं। तो ये सारे पीसेज हमने तलकर तैयार कर लिए और एक पीस को तलने में 1.5 से 2 मिनट लग जाते हैं। अब इन्हें पूरी तरह से ठंडा करेंगे, इसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। ये पीसेज हमारे एकदम ठंडे हो गए हैं और ये घी जो हमने फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखा था वो ले लिया है, अधूरा जमा हुआ, एकदम ज़्यादा नहीं जमाना है। इस घी को हम इस शुगर पाउडर में मिलाएंगे, आधा कप शुगर पाउडर है, और इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ये घी और शुगर का मिक्सर बन गया। अब इस पीस को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और डिप कर लेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा मीठा बनाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ से भी कोट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा किनारों से भी लगा दीजिए। और अगर आपको थोड़ा सा कम मीठा पसंद हो तो इस तरीके से डिप कीजिए, एक ही और सफिशिएंट है। और इनके ऊपर थोड़ी सी पिस्ता कतरन डालकर गार्निश कर देंगे। सूरती घारी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बने हैं। इन्हें आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि घी शुगर की कोटिंग अच्छे तरह से सेट हो जाए, इसके बाद सर्व करेंगे। सभी को बहुत पसंद आएंगे। इन्हें बनाना तो आसान है लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले आप स्टफिंग बनाएंगे तो मावा को भूनकर ड्राई फ्रूट मिला लें और उसे पूरी तरीके से ठंडा होने दें, तब शुगर पाउडर मिलाएं, गरम गरम में बिल्कुल नहीं मिलाना है। इसके बाद उनके गोले बना लें, डो बना लें। डो का ध्यान रखना है ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। पूरी बेलते समय ध्यान रखना है एक जैसी बेलनी है।
और जो गोले बनाए हैं उन्हें अच्छे तरीके से बंद कर देना है। घारी को तलते समय ध्यान रखना है घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, मीडियम गर्म हो और फ्लेम लो टू मीडियम हो। इसे तलते समय बहुत ज़्यादा अलटना पलटना नहीं है और बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है। जल्दी से जैसे ही हल्की सी ब्राउन होगी तुरंत निकाल लेना है। इसके बाद पूरी तरह से ठंडा करना है और घी और शुगर में कोट कर देना है और फ्रिज में ठंडा करके सर्व कर देना है। बहुत अच्छी सूरती घारी बनकर तैयार होंगी। आप इन्हें फ्रिज में रखकर पूरे एक सप्ताह तक खा सकते हैं। तो आप सूरती घारी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।